हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ मोतीचूर के लड्डू की रेसिपी शेयर कर रही हूँ एकदम मार्केट जैसी टेस्टी एकदम हलवाई जैसी ये बनकर तैयार होगी पहली बार में एकदम परफेक्ट लड्डू आप बनाकर तैयार कर पाएंगी और अगर आपने ये लड्डू कभी नहीं बनाया है तब भी आप इस वीडियो को देखने के बाद पहली बार में एकदम परफेक्ट लड्डू आप बनाकर तैयार कर, कर लेंगे बहुत ही सॉफ्ट एकदम मुंह में घुल जाने वाली जैसी बनती है तो चलिए देख लेते हैं कैसे बनाना है लड्डू बनाने के लिए यहाँ पर हम लेंगे ढाई कप बेसन तो ये बेसन नॉर्मल वाला बेसन है जिसका हम पकोड़े कढ़ी या फिर चीला बनाने में यूज करते हैं बस वही बेसन है तो यहाँ पर मैंने ये ढाई कप बेसन लिया है और इसमें हम डालेंगे दो चम्मच देसी घी घी डालने के बाद इसमें हम डालेंगे दो चम्मच दूध तो ये दूध ठंडा दूध है यानी फ्रिज में से निकाल करके आप तुरंत दूध आप इसमें डाल दें गरम दूध नहीं लेना है आप चाहें तो नॉर्मल दूध यानी रूम टेम्परेचर का दूध भी आप डाल सकते हैं बेसन में घी और दूध डालने के बाद इसको हम अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और इस तरीके से थोड़ा थोड़ा बेसन हम हथेलियों पर रख करके इस तरीके से दोनों हथेलियों से इसको हम रब कर लेंगे ये प्रोसेस करने से इसमें बहुत ही अच्छे से दाने पड़ते हैं वैसे तो हलवाई लोग जो है वो मोटे बेसन का यूज करते हैं मोती के लड्डू बनाने में जनरली हम लोगों को मोटा बेसन मिल नहीं पाता है तो आप ये प्रोसेस करके मोती चूर के लड्डू आप बना सकते हैं बहुत ही दानेदार बनकर तैयार होते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है इसको मिक्स करने में फ्रेंड्स आपको लगभग चार से पाँच मिनट का समय लग जाएगा जब आप हाथों से छू कर के देखेंगे ना तो आपको ये बेसन एकदम रवा जैसा यानी सूजी जैसा दानेदार दिखेगा तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है अभी इसको हम ढक करके 10 मिनट के लिए हम साइड में रखेंगे तब तक, तक यहाँ पर हम चीनी का बूरा यानी चीनी का तगार बनाकर तैयार कर लेंगे गैस पर मैंने एक पैन रखा है इसमें मैंने एक कप चीनी और एक चौथाई कप मैंने इसमें पानी डाला है चीनी और पानी को हम धीमी आंच पर घुलने तक पका लेंगे तो यहाँ पर चीनी अच्छे से घुल गई है तब हम गैस की फ्लेम को हम हाई कर देंगे और हाई फ्लेम पर इसको हम तीन चार मिनट और पका लेंगे तो यहाँ पर मैंने इसको चार मिनट पका लिया है जब चीनी इस तरीके से यानी चाशनी जब इस तरीके से वाइट हो जाए तब इसमें हम एक चम्मच देसी घी डालेंगे घी डालने से जो ये तगार होती है ना वो हार्ड नहीं बनती है बहुत ही सॉफ्ट बनती है और आपको इसको मिक्स करने में दिक्कत नहीं होगी यानी इसमें बड़े बड़े ढेले नहीं बनेंगे पर मैंने घी डालने के बाद इसको एक मिनट और पका लिया था अब इस तरीके से हम कटोरी में थोड़ा सा पानी लेकर के कुछ बूंदे हम चाशनी की डालेंगे लेंगे हम चेक कर लेंगे तो यहाँ पर देखिए चाशनी जो है वो पानी में डालने के बाद तुरंत फैल जा रही है इकट्ठी नहीं हो रही है यानी इसको हम थोड़ी देर हम और पका लेंगे एक दो मिनट के लिए तो यहाँ पर हाई फ्लेम पर ही आप इसको पकाइएगा तो आपका जो ये तगार है बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाएगा तो यहाँ पर मैंने इसको एक दो मिनट और पका लिया था फिर से इसको हम कटोरी में पानी लेकर के हम चेक करेंगे तो यहाँ पर देखिए जब मैंने चाशनी पानी में गिराया है तो ये एकदम इकट्ठी हो रही है यानी फैल नहीं रही है तो बस इतना ही इसे हमें पकाना था देख करके भी अंदाजा लगा सकते हैं क्योंकि चाशनी आपको काफी गाढ़ी दिखेगी और इसमें ढेर सारे बबल्स दिखेंगे और ये आपको काफी वाइट दिखेगी मैंने यहाँ पर गैस को बंद कर दिया है इसको मैंने नीचे उतार लिया है नीचे उतारने के बाद इसको हम लगातार चलाते रहेंगे हाथ को आपको रोकना नहीं है लगातार चलाते रहना है जैसे जैसे आप इसको चलाते जाएंगे ये काफी व्हाइट सी होने लगेगी और इस तरीके से फूलने लगेगी तो बस आप इसको लगातार चलाते रहें आप कोशिश करिएगा कि ये तगार बनाने के लिए आप नॉन पैन का यूज करिएगा तो ये जो है पैन में चिपकेगी नहीं देखिए अच्छे से ये ड्राई हो गया है एकदम पाउडर की तरह हो गया अगर आप छू करके देखेंगे तो आपको ये सूजी की तरह दानेदार दिखेगा तो यहाँ पर इसको हम छान लेंगे तो आप इसको जो है बड़ी वाली जाली यानी मोटी वाली जाली से आप छानिएगा तो ये छोटे बड़े टुकड़े इसमें रह गए हैं उसको आप हटा दें तो यहाँ पर हमारा देखिए चीनी का बूरा यानी तगार बन करके तैयार है लड्डू बनाने में फ्रेंड्स इसका यूज होता है अगर आपको मार्केट में मिल जाता है तो आप मार्केट से ले सकते हैं या फिर आप घर में इजली बना सकते हैं यहाँ पर हमने जो बेसन में दूध और घी मिक्स करके रखा था इसको हम छन्नी पर रख करके हम छान लेंगे तो यहाँ पर आप बेसन को छानने के लिए मोटी वाली जाली वाली छन्नी लीजिएगा इसमें तो जो ये छोटे बड़े ढेले हैं ना आप इस तरीके से रगड़ रगड़ करके बेसन को आप छान लें लेर तो के लड्डू बनाने में फ्रेंड्स ये प्रोसेस मस्ट है अगर आप ये प्रोसेस करते हैं तो आपके लड्डू जो है एकदम मार्केट जैसे एकदम हलवाई जैसे बनकर के तैयार होंगे कोई भी ऐसी ट्रेडिशनल चीज बनाने में समय तो लगता ही है लेकिन जब बनकर के तैयार होती है ना तो उसका रिजल्ट जो है बहुत ही बढ़िया आता है तो यहाँ पर मैंने सारे बेसन को छान लिया है अब यहाँ पर हम गैस पर रखेंगे कढ़ाई और इसमें हम आधा कप देसी घी डालेंगे घी गर्म हो जाने के बाद इसमें हम बेसन को हम डालेंगे जो हमने छान करके रखा था और लो फ्लेम पर यानी धीमी आंच पर इसको हम लगातार चलाते हुए हम तब तक, तक भूनेंगे जब तक कि इसका कलर जो है लाइट गोल्डन ना हो जाए और इसमें से हल्की हल्की सी खुशबू ना आने लगे हाथ को रोकना नहीं है आपको इसको लगातार चलाना है और आपको इसको लो फ्लेम पर यानी धीमी आंच पर ही आपको इसको भुनना है यहाँ पर इसे भुनते हुए मुझे लगभग 10 मिनट हुए हैं मुझे घी थोड़ा सा कम लग रहा था इसलिए मैंने इसमें एक चम्मच देसी घी और डाला है घी डालने के बाद इसको हम अच्छे से हम भून लेंगे मैंने बाद में एक चम्मच घी और डाला था यानी आपको इसमें आधा कप और दो चम्मच घी आपको लग जाएगा यहाँ पर देखिए बेसन हमारा अच्छे से भुन गया है इसमें से हल्की हल्की सी खुशबू आ रही है और इसका कलर भी चेंज हो गया है तो अब इसमें हम थोड़ा सा हम पानी के छींटे हम लगाएंगे और इसको हम मिक्स कर लेंगे पानी के छींटे आपको थोड़ी थोड़ी देर पे दो तीन बार लगाना है जैसा कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया है और आपको गैस की फ्लेम को हाई नहीं करना है लो फ्लेम पर ही आपको इसे भूनना है बहुत तो ज्यादा आपको इसमें पानी नहीं डालना है बस पानी के छींटे लगाने हैं आपको पानी के छींटे लगाने हैं फिर आपको इसको कुछ सेकंड के लिए मिक्स करना है फिर दोबारा आपको पानी के छींटे लगाने हैं और मिक्स मिक्स करना है बस यही प्रोसेस आपको थोड़ी थोड़ी देर पे दो तीन बार करना है ये प्रोसेस करने से इसमें और भी अच्छे से दाने पड़ते हैं तो यहाँ पर हमारा बेसन अच्छे से भुन गया है तो इसको हम तुरंत एक प्लेट में निकाल लेंगे क्योंकि कढ़ाई काफी गर्म है अगर आप बेसन को कढ़ाई में ही रहने देंगे तो ये नीचे से जलने लगेगा तो इसलिए इसको हम तुरंत हम प्लेट में निकाल लेंगे और लगातार इसको हम चलाते रहेंगे ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए प्लेट में निकालने के बाद भी आपको इसको नहीं छोड़ना है क्योंकि अभी ये काफी गर्म है ना तो नीचे से इसका कलर जो है डार्क हो जाएगा को हम लगातार चलाते हुए हम ठंडा कर लेंगे तो यहाँ पर देखिए अच्छे से ये ठंडा हो गया है लेकिन अभी ये हल्का सा गर्म है बस इसी समय इसमें हम डालेंगे एक चौथाई चम्मच इलायची पाउडर और इसमें हम डालेंगे तगार जो हमने अभी बना करके तैयार किया था तो यहाँ पर जिस कप से मैंने बेसन नापा था उसी कप से नाप करके मैंने इसमें दो कप ये तगार डाल दी है अगर आपको हल्का मीठा खाना पसंद है तो आप दो कप तगार की जगह पर आप इसमें डेढ़ कप तगार डालिएगा तो यहाँ पर इसको इस तरीके से चम्मच से अच्छे से नहीं मिक्स हो रहा था तो इसलिए मैंने इस तरीके से हाथों से मिक्स किया है हाथों से मिक्स करने पर भी ये अभी हल्का सा गर्म ही है हल्के गर्म में ही आपको इसमें तगार डालना है क्योंकि अगर आप ज़्यादा गर्म में डालेंगे ना तो ये जो चीनी है वो मेल्ट हो जाएगी और आपके लड्डू अच्छे नहीं बनेंगे इसलिए जब ये हल्का सा गर्म रहे तभी आप इसमें तगार डालें और इसको आप अच्छे से मिला लें अगर आप ये सारे प्रोसेस फॉलो करते हैं तो आपके जो लड्डू है ना वो पहली बार में ही एकदम परफेक्ट बन करके तैयार होंगे प्लेट काफी छोटी थी तो इसलिए इसमें अच्छे से मिक्स करते नहीं बन रहा था तो इसलिए मैंने इस मिश्रण को एक बड़े से बाउल में निकाल लिया है बाउल में निकालने के बाद इसको हम अच्छे से हम मिला लेंगे और इस तरीके से इसके हम लड्डू बना करके हम तैयार कर लेंगे थोड़ा सा मिक्सचर लेना है और इस तरीके से आपको दबा दबा करके लड्डू को बना लेना है तो बस ऐसे ही हम सारे लड्डू बना करके के हम तैयार कर लेंगे अभी ये मिक्सचर जो है हल्का सा गर्म ही है आप इस लड्डू को 10 से 15 दिन तक खा सकते हैं ये ख़राब नहीं होते हैं और आपको इसको फ्रिज में रखने की भी ज़रूरत नहीं है बिना फ्रिज के भी ये 15 दिन तक आराम से चलते हैं तो यहाँ पर इसी तरीके से देखिए मैंने सारे लड्डू बना करके तैयार कर लिए हैं इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा ये जो है मैं पिस्ता लगा रही हूँ ताकि ये देखने में और भी सुंदर दिखे वैसे ये पूरी तरीके से ऑप्शनल है तो यहाँ पर देखिए ढाई कप बेसन में इतने सारे लड्डू हमारे बनकर के तैयार हुए हैं अच्छा बंधन आ रहा है फ्रेंड्स आप रक्षा अच्छा बंधन पर घर पर ये लड्डू बनाकर तैयार कर सकते हैं तो ये देखिए कितने सॉफ्ट और नरम ये बनकर के तैयार हुए हैं फ्रेंड्स आपको आज की ये लड्डू की रेसिपी जरा भी पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा मेरे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले